आज हम सीखेंगे डेटा में, जैसे हर एक रो जैसे है तो उसके नीचे हमें एक और सेल चाहिए, ब्लैंक सेल चाहिए इसके नीचे। जैसे ब्लैंक सेल लाने के लिए कई तरीके हैं, एक शॉर्टकट तरीके से ला सकते हैं या फिर इंसर्ट कर सकते हैं ब्लैंक सेल। तो जैसे अगर हम ट्राई करते हैं तो यहाँ पे हमें इस दोनों सेल के बीच में चाहिए, तो हम यहाँ पे थ्री पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे तो भी इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम करेंगे तो ऐसे अगर हमारा छोटा डाटा है तो अभी तो हम आसानी से कर सकते हैं, पर खूब सारे डाटा हमें सब में एक साथ करना है, ऐसे खूब सारे डाटा इंसर्ट करना है ना। तो हर एक के नीचे हमें एक ब्लैंक रो चाहिए, तो हर एक के नीचे ब्लैंक रो करने के लिए हमें क्या करेंगे, हम इसे वापस जैसे पहले था वैसे ही कर लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो हेडिंग है और आपका रो है उसके बीच में एक खाली रो इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे, वहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको शॉर्टकट से नहीं करना तो आप दूसरे तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं, हटा के फिर से जैसे करना, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे एंड राइट क्लिक करना है, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट करने पे यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अभी सब में चाहिए हमें, सबके नीचे एक रो चाहिए एडिशनल यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आईडी नंबर है, आईडी नंबर ले सकते हैं या फिर एक और कॉलम इंसर्ट करके सीरियल नंबर ले सकते हैं, तो हम आईडी नंबर ही ले लेते हैं। आईडी नंबर ले लेंगे, आईडी नंबर लेने के बाद इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद नीचे जाके पेस्ट कर सकते हैं या फिर एंटर प्रेस कर देंगे तो भी पेस्ट हो जाएगा, वही सीरियल नंबर पेस्ट हो जाएगा जो ऊपर है। कॉपी हमने कर लिया था, यहाँ पे एंटर करेंगे तो भी पेस्ट हो जाएगा, फिर पेस्ट पे क्लिक करके भी आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब पेस्ट करने के बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे किसी भी सेल में जहाँ पे भी है अब क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद पूरे सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे जहाँ तक डाटा होगा वहाँ तक पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिटिंग टैब, एडिटिंग ग्रुप में जाना है, उसके बाद शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है। शॉर्ट एंड फिल्टर में जाके यहाँ पे शॉर्ट A to Z पे क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक एक ब्लैंक रो आ जाएगी, सीरियल नंबर सेम रहेगा पर आपका यहाँ पे ब्लैंक रो आ जाएगी। यहाँ पे ये जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरी हमारी यहाँ पे ब्लैंक रो आ गई। अब इसके आगे हम जोड़ना चाहें घटाना चाहें जो भी चाहें वो कर सकते हैं। ये तो सिंगल सेल के लिए हो गया। बाई चांस अगर हमारे पास इससे ज़्यादा रोस है, जैसे ये एक्स्ट्रा है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करेंगे, ऐसे डिलीट हो जाएगा वो रो, ठीक है ना। अब ये तो आपका सिंगल रो हो गया। अब इसी तरह के और डाटा देखेंगे जिसमें हमारे सीरियल नंबर भी रहेंगे या फिर कुछ भी डाटा बार बार रिपीट होगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ डाटा बार बार रिपीट होगा। जैसे हम देख जो डाटा है वो थोड़ा सा अलग टाइप का, जैसे क्या है, नाम सेम है, हाइट सेम है, आधार नंबर सेम है, पर सैलरी अलग अलग है, और सीरियल नंबर जो है उसकी आईडी नंबर वो भी सेम है। अब यहाँ पे हमें सबके बीच में एक रॉ भी चाहिए, यानी कि जिसका भी नाम है उस नाम के एंड पे एक रॉ चाहिए हमें, और साथ में उनका इस सैलरी का टोटल भी चाहिए। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर तो सबके सेम सेम है, अब अगर हम करते हैं तो एक बार में करेंगे तो वही वही आ जाएगा हर एक रॉ के पे नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, जैसे सोनू नाम है, सोनू नाम के एंड पे चाहिए हमें एक रॉ। पुनीत है तो पुनीत के नाम के एंड पे चाहिए, मोहन है तो मोहन के नाम पे एंड पे चाहिए, प्रहलाद है तो प्रहलाद के नाम में। अब किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 5 है, तो यहाँ पे अलग अलग किसी के, यानी सबके अलग अलग सैलरी टाइप हैं, तो उन्हें हमें एक साथ वहाँ पे रॉ इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे हम यहाँ पे टू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे एक रॉ इंसर्ट करेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करके वहाँ पे एक रॉ इंसर्ट करेंगे। उसके बाद जो आईडीज है तो आईडीज को क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा पूरा आईडी सेलेक्ट होगा, इसको क्या कर लेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, उसके नीचे एंटर कर देंगे या पेस्ट कर देंगे, चाहे हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे, हमारी आईडी पेस्ट हो गई। अब जो आईडी पेस्ट हुई है उससे हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्टेड है, हम फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारी आईडी है वो रिपीट हो रही है, तो उसे रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, डाटा टैब में जाएंगे और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंट पे करेंट सेलेक्शन पे करेंगे, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे जितनी भी डुप्लीकेट आईडी वो रिमूव हो गई, ओनली जो सिंगल आईडी से वो दिख रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कहीं भी सेल पे क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है ना। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा डाटा हमारा, ये यहाँ पे ऑल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम कहाँ क्या करेंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, तो होम पे क्लिक करेंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट A to Z पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा शॉर्ट हो गया। यहाँ पे यानी सोनू के नाम के एंड पे एक रॉ, पुनीत के नाम के, मोहन के नाम पे, प्रहलाद के नाम के, मोनू के, सबके नाम के एक एक रॉ इंसर्ट हो गई। अब यहाँ पे इन सबके सैलरी का टोटल करना है एक साथ, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इस पूरे सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ तक हमारा डाटा है, डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, इस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे और एंड प्रेस करेंगे, ऐसे एरो से नीचे सेलेक्ट करते जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है,
कंट्रोल के साथ जी प्रेस करना है, ठीक है ना। यहाँ पे गो टू खुल जाएगा, गो टू के बाद स्पेशल पे जाएंगे, स्पेशल में जाने के बाद हमें ब्लैंक सेलेक्ट करना है। अब ब्लैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, ओके प्रेस कर देंगे, जितने भी ब्लैंक सेल हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या कर देना है, आर्ट के साथ प्लस प्रेस करेंगे, क्या करेंगे करेंगे आर्ट के साथ प्लस प्रेस करेंगे तो ये हमें एक साथ टोटल हो जाएगा। फिर सेलेक्टेड है तो कंट्रोल के साथ बी प्लस कर देंगे तो बोल्ट भी हो जाएगा। कंट्रोल के साथ बी प्रेस कर दें या फिर आप यहाँ पे बोल्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये सारे बोल्ट हो जाएंगे जितने भी टोटल है। अब यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी का टोटल दिख रहा है, जितना यहाँ पे टोटल आ रहा है वो यहाँ पे टोटल दिख रहा है सब में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक साथ सबका टोटल कर लिए, जबकि नाम सबके क्या है, किसी के 5 नेम है, किसी के 5 हैं, अलग अलग टाइप की सैलरी है, किसी कम है किसी की ज़्यादा है सैलरी, तो हमें ऐसे अलग अलग एक साथ कैलकुलेट करना है, तो हम ये तरीका यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमने इंसर्ट किया था उसको रिमूव कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, उसके बाद इस पे बॉर्डर देना है तो यहाँ पे फॉन्ट वाले सेक्शन में चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या ऑल बॉर्डर हो जाएगा। ये हमारा टेबल तैयार हो गया, सबके आधार नंबर सेम वाले एक साइड हो गए, उसकी जितनी सैलरी है वो एक साइड हो गई, टोटल भी हो गया और हमारा एक रो इंसर्ट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप उस कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका सलूशन दूंगा। थैंक यू।